प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट से उभरने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस आर्थिक पैकेज ने तरह तरह के हेडलाइंस बनाए। सरकार ने इस पूरे पैकेज को किसी वेब सीरीज की तरह चलाया। 5 दिनों तक हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पैकेज के अलग अलग हिस्सों की घोषणा की। पांचों दिन अलग अलग तरह की घोषणाएं हुई, पांचों दिन रंगारंग हेडलाइंस बनाए गए। सरकार का दावा था कि जीडीपी का 10% हिस्सा इस आर्थिक पैकेज में जाएगा, लेकिन अगर विशेषज्ञों की माने तो जीडीपी का बमुश्किल 1% हिस्सा सरकार डायरेक्टली खर्च कर रही है, बाकी लिक्विडिटी और पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग से काम चल रहा है। मिसाल के तौर पर तीसरे दिन हुई घोषणा के दो उदाहरण देखिए। पशुधन के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए की घोषणा हुई। अब बजट 2020-21 के डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसमें भी पशुधन के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। यानी कि बजट में जो घोषणा हुई उसी घोषणा को आर्थिक पैकेज के तहत भी पढ़ा गया। तीसरे दिन की ही एक घोषणा के तहत निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 18,700 करोड़ रुपए किसान के खातों में दिए गए और इसे भी आर्थिक पैकेज में शामिल किया गया। ये जो पैसे दिए गए ये पीएम किसान फंड के जरिए दिए गए, जिसकी घोषणा भी बजट में पहले से थी और ये योजना पहले से ही चल रही थी। किसानों को अप्रैल, मई और जून की किस्त सरकार के द्वारा मिलनी ही थी। वही पैसा सरकार ने किसानों को अप्रैल में दे दिया और इसे आर्थिक पैकेज में शामिल कर लिया गया। ये केवल हेडलाइंस बनाने का एक तरीका था। खैर, सरकार ने पैकेज की घोषणा की, निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग हिस्सों के बारे में बताया, लेकिन इससे ना तो मार्केट संभला और ना ही मजदूरों की हालत। मजदूर बदस्तूर सड़कों पर जाते हुए अब भी मर रहे हैं। और जब आज तक की एक पत्रकार ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से इस बाबत सवाल पूछा तो पीयूष गोयल ने कहा, अगर अनाउंस कर दे कि सब कुछ मुफ्त है तो लाखों करोड़ों लोग एक इस मुफ्त सुविधा के लालच में अगर ट्रेन स्टेशनों पे हजारों लाखों की संख्या में पहुंच जाए। इस दौरान पीयूष गोयल भूल गए, ये वही देश है जहां सरकार के एक आह्वान पर 1 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दी थी। बहरहाल, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं उदय भान सिंह। उदय भान सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं, उन्हें चाय पिला रहे हैं, उन्हें पानी पिला रहे हैं, लेकिन ये माइग्रेंट वर्कर्स चोरों और डकैतों की तरह भाग रहे हैं। बस यही बाकी था। अब सरकारों के मंत्री खुले तौर पर प्रवासी मजदूरों को चोर और डकैत कहने लगे हैं। मजदूरों को जानवरों की तरह हांका जा रहा है, पीटा जा रहा है। एक झटके में कई लेबर लॉज को खत्म कर दिया गया, कुचल दिया गया। इन तस्वीरों, इन खबरों और ऐसे बयानों के बीच में जब प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर बनने की अपील करते हैं तो शक होता है कि प्रधानमंत्री की इस अपील में सकारात्मकता है या फिर नकारात्मकता। क्या हम सब आत्मनिर्भर नहीं थे? क्या भारत और भारत के लोग किसी और पर आश्रित थे? प्रधानमंत्री के इन शब्दों को भी सुनिए। आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा क्या है ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो अवसर खोजती हुई ये सरकार दिख रही है ये वही अवसर है जो हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभालने के कुछ महीनों बाद खोजी थी। देश में कई लेबर लॉज को खत्म कर दिया गया, इसमें ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लॉज भी शामिल थे। किस्सा याद आता है 2 मई 1933 का। हिटलर को सत्ता संभाले अभी 4-5 महीने ही हुए थे। हिटलर चाहता था कि अपने देश के तमाम मजदूरों को नियंत्रित करे, उसके नियंत्रण में रहें वो मजदूर, लेकिन ट्रेड यूनियंस की मौजूदगी में ऐसा होना मुमकिन नहीं था। सो हिटलर ने ट्रेड यूनियंस को प्रतिबंधित कर दिया और 2 मई 1933 को जर्मनी की पुलिस ने ट्रेड यूनियंस के हेडक्वार्टर्स को अपने कब्जे में ले लिया। अब हमारे देश में मजदूरों संबंधी और ट्रेड यूनियन संबंधी जो कानून खत्म किए जा रहे हैं उसके पीछे किसके नियंत्रण की ख्वाहिश है ये तो वक्त ही बताएगा,
लेकिन एक बात तय है कि इन कानूनों को खत्म करने से श्रमिकों का कोई भला नहीं होगा। एक तरफ आत्मनिर्भर होने की अपील और दूसरी तरफ उनको दिए गए अधिकारों को कुचल देना, दोहरेपन की कोई सीमा तो होती होगी। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स, अपने विचार हमारे साथ करते रहिए साझा। सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं ये वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।